पुरस्कारते, अच्छा खाने को देते, उसका ध्यान रखते थे। उसके उस गधी के बच्चे के माथे में एक वो निशान सा था, जैसे जानवरों को हो जाता कहीं, वो ऐसा फूल सा था, चांद सा बना हुआ था। वो बोले आपस में, इसका कुछ नाम तो रखो। बोले नाम क्या, ये देख दिखाई देने लग रहा है इसके माथे के ऊपर, इसका नाम चांदा रख लो, चांद कहते ना, और गांव बोले इसका नाम चांदा रख लो। बोले ठीक है, और दोनों चांदा कह करके उसको बुलाने लगे। पशु भी आवाज समझने लग जाते हैं, इनको इतनी पता होता है ये मेरा नाम है क्या, तो आवाज करी चांदा कहा, वो कान खड़े कर देता और फिर वो उधर आ भी जाता, उसको अच्छा खाने को देते और वो दोनों उसे प्यार करते, अपना समय बिताते। वे चलो ये भी बच्चा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करते उसको। बात ऐसी हुई, वो चांदा मर गया। दोनों को बड़ा, धोबी को बहुत दुख हुआ। बोले भाई अपने संतान तो थी नहीं, हम तो इससे लाड़ प्यार कर लेते थे और ये भी जाता रहा, बड़े दुख की बात हो गई। उसने दुख में आ करके अपना सिर मुंडा लिया। उस जमाने में कुछ रिवाज था कि घर में कोई शोक हो जाता तो लोग सिर मुंडाया करते, उसने सिर मुंडवा लिया। शाम को धोबी थानेदार के कपड़े देने गया। थानेदार ने, अरे धोबी, बोला क्या बात हुई, जिसे पूछ लो क्या घटना, क्या बात हुई। बोला जी क्या बताएं। बोले क्या बात है। बोले चांदा मर गया। वो थानेदार क्या जाने चांदा क्या। बोले चांदा। बोले अच्छा कब है। बोले आज ही मर गया। बोले हो, बड़े दुख की बात है भाई। वो तो कपड़े दे के चला गया। थानेदार सोचने लगा कि चांदा कौन है भाई, इसने सिर मुंडाया है, जरूर कोई नगर का महत्वपूर्ण आदमी होगा और मेरी नोटिस में बात आई नहीं है। मैं थानेदार, अब कल ने कोई बात होगी तो यूं होगा भाई, थानेदार होकर तुझे ये भी नहीं पता। उसने सिर मुंडवा लिया। मैं नगर का कोई ऐसा आदमी होगा कि चलो, उसने सिर मुंडवा लिया। वो दूसरे दिन वजीर के सारी रिपोर्ट देने के लिए जाता था नगर के, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, रिपोर्ट देने गया। वजीर ने देखा, बोले थानेदार साहब क्या बात। बोला जी चांदा सिंह की मृत्यु होगी। बोले अच्छा कब। बोले कल होगी। वजीर ने कहा कल चांदा सिंह मर गया और मेरे को पता भी नहीं, और मैं वजीर, मतलब कल ने राजा के तक बात जाएगी। बोले कमाल कर दिया वजीर तने, बता चांदा सिंह की मृत्यु होगी। उसने भी सिर मुंडवा दिया। सिर मुंडवाने के बाद में वो पहुंचा अगले दिन दरबार में। राजा ने देखा, वजीर साहब क्या बात। बोला जी सर श्री चांदा सिंह जी मर गए, उनकी मृत्यु होगी। राजा ने ये तो पूछा नहीं भी, सर श्री चांदा सिंह कौन है। उसने कहा भाई ये तो कोई राज का बड़ा ही आदमी है, सर चांदा, सर श्री चांदा सिंह, मंत्री ने सिर मुंडवा लिया तो कल बात आएगी और कहेंगे भाई राजा ने इतने भी लिहाज नहीं रखी, राज का इतना बड़ा आदमी गुजर गया और इसने कुछ नहीं करा, उसने भी सिर मुंडवा दिया। राजा गया महल में, रानी ने देखा, बोले महाराज ये क्या। बोले तुम्हें नहीं पता। बोले ना सर श्री चांदा सिंह जी काल धर्म को प्राप्त हो गए। बोले अच्छा। वो बोले जी ऐसा है, अब ये तो आदमियों की बात रही, औरतों को भी आपस में जाना होता है एक दूसरे के यहाँ पर, तो पता तो करो ये कौन है, कहाँ घर है क्या, हमारे को भी रानी को भी, मतलब जो इतना बड़ा आदमी था तो वहाँ जाना होगा घर में, ऐसा ही होता है जैसे रोने के लिए और के लिए, पता तो करो कौन है ये कहाँ। बोले पता तो मेरे को तो है नहीं, वजीर को पता होगा, बाकी ऐसा हो गया। बोले पता करो जी, मेरे को भी जाना है वहां, इतने बड़े आदमी के। उसने वजीर को बुलाया, बोला भैया सर श्री चांदा सिंह जी जो काल धर्म को प्राप्त हो गए ये कौन है। बोले जी महाराज माफ करना, पता तो मेरे को है नहीं। बोले और। बोले उधर थानेदारी रखता नगर की, रिपोर्ट तो सारी उसी के पास होती है, तो वो आया था, मैं तो उससे पता चला था। बोले भाई थानेदार से पूछो तो कौन है।
थानेदार को बुलवाया, बोले वे थानेदार ये सर श्री चांदा सिंह जी कौन है? बोले सर श्री का तो पता नहीं, बाकी श्री चांदा सिंह तो मर गए। बोले है कौन ये, कहाँ घर है, क्या बात है, क्या इसका पद था, नगर में कैसे क्या मामला है? बोले जी देखो मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है, मेरे पास तो धोबी आया था, और धोबी जो है सबके कपड़े देखो देने जाता है, धोने आपके भी आता है, मेरी भी आता है, सब जगह आता, तो वो आया था, उसने बताया, वो ही जाता होगा इसके चांदा सिंह के भी, उसको पता होगा इसलिए उसने बताया था। मैं तो सोचा भाई कोई बड़ा आदमी है जब इसने सिर मुंडा रखा है। बोले धोबी को बुलवाओ भाई, पता करो, उसके जाना पड़ेगा भाई, वजीर को भी राजा को भी। और थानेदार बोला जी मैं भी जाकर हूँ, बुलाओ। धोबी को बुलाया, धोबी से पूछा, हाँ भाई धोबी ये सर श्री चांदा सिंह कौन थे? बोले जी सर श्री चांदा सिंह का तो मेरे को पता नहीं। बोले और? बोले चांदा हमारे गधे का बच्चा जरूर था, और तो पता नहीं मेरे को। कोशरथम जो गलत सुना, पता तो किया ही नहीं, है कौन, क्या बात है, क्या मामला भाई, ये जो चांदा सिंह मर गया, चांदा को है कौन, चांदा कुछ तो पता करते। थानेदार ने भी पता नहीं करा, वजीर ने भी पता नहीं किया, राजा ने भी पता नहीं किया, और सारों ने सिर मुंडवा लिए। किस बात पर? को दृष्टम, सही नहीं देखा क्या चीज है क्या नहीं है, को श्रुतम, सही सुना नहीं बात को पूरा। भाई पता करते ही जब बात सुनने में आई है, ये क्या बात है, कैसे है, क्यों कर रहे, क्या मामला है, कुछ तो बात का पता करो। नहीं बस सुन लिया, सुन लिया आगे चालू कर दी बात, आगे और सरका दी। उसने भी नहीं पूछा कुछ, भाई क्या बात है ये, उसने और आगे कर दी, और आगे कर दी। इस तरह से होता रहा, बड़ा गलत हो जाता है। ठीक तरह देखा नहीं, ठीक तरह से सुना नहीं। को परिज्ञातम, जानकारी मिली पर पूरी नहीं मिली, सही नहीं मिली। जानकारी होनी चाहिए चीज की पूरी पूरी तरह से, हर बात को पूरी तरह समझो, पूरा सुनो, पूरा देखो, और फिर पूरी बात का पता करो, सब जा करके उसके बाद आगे की कार्रवाई करो, जो तुमने वहां पर जो भी कुछ करना है। तब अगर ये नहीं है तो फिर गलत हो जाता। को परीक्षितम, और उसकी सही परीक्षा करो, और जब तक ये काम नहीं किया तब तक आदमी को कोई आचरण नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने कर दिया आचरण, इसका फल तो बहुत बुरा हो जाता, बहुत घटिया हो जाता, इसका नतीजा बहुत खराब होता है। वहां पर जो श्लोक के साथ में कथा भी दी गई, वो कथा क्या दी गई, कि बिना देखे बिना सुने सही, और बिना सोचे बिना पूछे जो काम करते क्या नतीजा होता है। एक नगर था, नगर में एक सेठ था, सेठ बहुत धनी था, और एक खास बात ये वो दान देता था, बहुत दान देता था। कई लोग उसे टोका करते, कहा करते भाई तू इतना धन ना दिया कर, बर्बाद हो जाएगा, कल को क्या स्थिति बने। बोले नहीं धन क्या काम आएगा, धन दान दो। और कथा है ये, ऐसा धारणा नहीं बनाने, कथा है। वो दान देते देते उसका धन खत्म हो गया। वैसे कभी होता नहीं, दान का तो बहुत बड़ा फल है, पर कहानी जो बताई जा रही है उसका धन खत्म हो गया। धन खत्म हो गया, अब उसके द्वार पर मांगने वाले आते, वो हाथ जोड़ देता उसके पास खाने को देने को, लोग चले जाते हैं। थोड़े दिनों में नगर भर में ये हो गए, भाई ये तो बिल्कुल गरीब है, इसके तो टोटा आ गया, इसके तो नुकसान हो गया, क्या हो गया, तो सारे लोग जो उसको ऐसा समझने लग गए, इज्जत मान भी नहीं करते। पहले तो सेठ जी आओ जी बैठो, सेठ जी ऐसा करो, अब कोई नहीं पूछता, वो बड़ा दुखी रहता। एक दिन वो घर में था, बहुत मन के अंदर दुखी बैठा हुआ था, भाई बताओ क्या करें, धन रहा नहीं, धन बर्बाद हो गया, कैसे क्या किया जाए। शाम होगी, उसकी पत्नी ने कहा अब चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया, खाना खाओ। उसने कोई खाना नहीं खाया और शाम को पढ़ के सो गया। रात को उसको एक देवता के दर्शन हुए, उसको देव दर्शन हुए, और वो उन्हीं के कुल का था कोई देवता, उसके दर्शन हुए। वो बोला बेटा तेने बहुत अच्छा काम किया, तूने बहुत अच्छा किया, दान दिया,
हम तेरे से बड़े प्रसन्न हैं और चिंता ना कर, धन की कोई कमी नहीं रहेगी तेरे, मैं ऐसा उपाय करूंगा। और सुन, मैं कल तेरे घर पर आऊंगा, देव कहता है, मैं कल तेरे घर पर आऊंगा और मैं आऊंगा साधु के विष में, मैं तेरे घर आऊंगा साधु के विष में आऊंगा। तू एक काम करना, एक छड़ी लेकर के मेरे को छुला देना, ऐसे कर देना, और मैं फिर सोने का होकर के गिर पड़ूंगा, सोने का होकर, उसको पोरसा कहते हैं, ये पोषद को भी पोरसा कहने लगी नहीं, उसने जो कहा, उसकी खास बात ये होती है, उसका शरीर से वो सोने का होता है, कितना भी काट लो वो फिर पूरा हो जाता है। बोले फिर तू खूब दान देना, खूब स्वयं के लिए उपभोग करना, कभी खत्म ही नहीं होगा, इतना वो होगा, और तू ऐसा कर लेना, उसकी आंख खुल गई। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सुबह होगी, दिन निकल आया और इसे सोच में बैठा था क्या होगा। वो उस दिन उनकी नाई आया करता, कभी मौका देकर एक दिन छोड़, दो दिन छोड़, उसकी हजामत बनाने के लिए, वो नाई हजामत बनाने को आ गया। सेठ उसी सोच में था, भाई वो रात सपना आया, सपने तो सच थोड़े होते हैं कैसे, और वो उसकी नाई हजामत, बोले सेठ जी हजामत बनवा लो, बड़े हो गए। बोले अच्छा भाई बना दे। वो बनाने लग गया, वो सोच वही रहा था कि भाई रात सपना आया कि भी उसने दर्शन दिए थे, किसने, देव था, कौन था, पितृ था, कहा भी मैं आऊंगा सन्यासी के रूप में आऊंगा और छड़ी छुला देना, सोने का होके गिर जाऊंगा, ये बात कैसे हो सकती है। वो हो गया, वो नाई तो उसकी हजामत बना रहा था और एक सन्यासी आके खड़ा हो गया। वो तो सावधान तो था नहीं, वो एकदम घबरा सा गया। बोले भाई सन्यासी तो आ गया, ये वही सन्यासी, एक और कोई सन्यासी है, चलो जो होगा देखी जाएगी। उसके पास एक छड़ी भी थी सारे के लिए, उसने उठाई छड़ी, उसको छुला दी, और छुलाने के देर थी वो धड़ाम पड़ा और सोने का होके पड़ा, दोनों चौंक के पड़े, नाई भी और सेठ भी, क्या होगा। दरवाजा फटाफट बंद करा, वो समझ गया भाई सपने सच रहा, सही रहा। उसने पत्नी को बुलाया, बताया कि भाई ये हमारे को वरदान मिला है, इतना सारा सोना। नाई भी देखने लगा, बोला नहीं घबराना, उसको भी काट करके कुछ दे दिया काफी सारा, बोले ले जा, वो फिर पूरा हो गया। नाई बड़ा खुश, बोले भाई आज तो जिंदगी की कमाई होगी, इतना तो कभी धन सोचा भी नहीं था जितना मिला, लेकर के वो चला गया। अब सेठ का तो काम हो गया, काम क्या हो गया, अब तो खूब गरीबी दूर होगी, फिर दान देने लग गया, खूब खाना पीना जो भी कमी थी सब दूर हो गई सारी बातें की। नाई सोना उसने रख लिया, सोचता रहता कि भाई सेठ ने उस साधु को छड़ी मारी और सोने का होकर गिर पड़ा, ये साधु तो बड़े काम के होते हैं, ये भी पता चला ये सन्यासियों को क्यों पूछते हैं लोग और क्यों घर बुला बुला के जो खाना खिलाते हैं, ये तो आज पता चला है, तो काम के होते हैं, हमारे को तो पता ही नहीं था इनका छड़ी मारनी चाहिए और फिर ये सोने के होके गिर जाते हैं, ये तो बहुत काम की बात पता चली आज, ये तो भाई कमाल हो गया। देखो कोई सन्यासी आएगा, हम भी बनाएंगे सोने का एक ऐसा ही, हमारे घर में भी मौज हो जाएगी। कोई दो गली में देखता रहा, कोई सन्यासी नहीं आया। उसे पता चला कि भाई सन्यासियों का एक टोला नगर के कहीं बाहर धर्मशाला में कहीं आके रुका, उसने अब काम बन गया, अब होगी बात। वो गया जी बांस भाई वालों के, बोला भाई पक्का सा बांस दे दो। बोले ले जा भाई, जैसा चाहिए वैसे ले जा। बोले भाई ऐसा मजबूत हो, टूटे नहीं। बोले नहीं टूटेगा नहीं, कितना प्रयोग कर लेना। लाया मजबूत सा एक लठ हरियाणा की भाषा में, और लाके घर में रख लिया। और फिर वो अपनी पत्नी से बोला, मैं सन्यासी बुला के लाऊंगा और तू घर पर रहियो, कभी इधर उधर की किवाड़ बंद करके चली जाए। बोले ना कैसे, किस लिए ला रहे हो। बोले सारी बात नहीं पूछा करते, बताऊंगा मैं। अच्छा जी, वो गया सन्यासियों के पास। नमस्कार, हाँ भाई भगत। बोले जी आप सबका मेरे यहाँ खाना है। बोले भाई इतनों का खाना क्या करेगा, एक दो को ले जा, बाकी तुम ले आओगे नगर में से। बोले ना जी ना, सबका खाना मेरे यहाँ पर, आपका देख लो भाई,
बोले जी भगत कह रहा तो कोई बात नहीं, चल पड़ते हैं। ठीक है जी चलो। वो सारे सन्यासियों के लिए आया, घर पे ले आया, ला करके वहां गए सारे 10-15 जितने भी थे। और उसने तो पहले किवाड़ बंद करे, ताला लगाया, कदे कोई निकल जाए, और ले करके लठे और लग गया। वो सारे सन्यास फोड़ दिए सिर, और वो चिल्लाए जोर जोर से, अरे क्यों मारा, खाना मत खिला तो हम तो चले जाएंगे, क्यों मारा, सिर फोड़ने लग रहा है। और वो देख कोई सुनने को होके गिरेगा, ये गिरा कोई नहीं, खूनम खून हो गए। पड़ोसियों में ने सुना भाई क्या चिल्लाहट हो रही, क्या बात है, आए पड़ोसी उसका दरवाजे तोड़े, बोले क्यों मार रहा तो सन्यासियों को, बोले कोई सुनने को होके गिरता ही नहीं, बताओ मैं क्या करूं, मैं तो बतेरे लठ मार लिए, एक भी सोने का होके नहीं गिर रहा। बोले तो पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब है, तू पागल हो गया, क्या बात हो गई। बोले नहीं, वहां सेठ के सोने का होके गिर गया, और मैं इतने सन्यासी बुला के लाया, मेरे घर में एक भी नहीं सोने का होके गिर रहा ये। वो तो बेचारे कुन्नम कुन सन्यासी चले गए। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ लिया भाई, इसने जो है सन्यासियों की हत्या करने का प्रयास किया और सन्यासियों को मारा, पुलिस पकड़ के लेगी। फिर उसको राजा के यहाँ पेश किया गया, राजा के यहाँ पेश किया, राजा ने पूछा भाई तूने सन्यासियों को मारा, बोले हाँ जी सन्यासियों को मारा, क्यों मारा, बोले जी इसलिए मारा कि मैं उनको चाहता सोने के होके गिर जाए। बोले तू पागल है, सोने को सन्यासी गिरा कर, बोले हाँ जी सही बात है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं सही बता रहा हूं, ये सन्यासी बड़े काम के होते हैं, ये सोने को कि मेरे घर में नहीं गिरे। बोले क्या बात कर रहा तू, बोले मैंने देखा, बोले क्या देखा तूने, बोले फलाना सेठ है ना उसके घर में मैं गया था हजामत बनाने के लिए, और उसके घर में ये हुआ। राजा ने सेठ को बुलाया,